आप देख रहे हैं न्यूज ब्रॉडकास्ट। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज ब्रॉडकास्ट में। 2022 में 11 राज्यों में होने वाले चुनाव पर पूर्व चुनाव आयुक्त SY कुरैशी की माने तो COVID-19 और ओमिक्रोन के खतरे के मद्देनजर चुनाव आयोग को भीड़ जमा होने पर रैली करने पर तुरंत एक्शन लेकर रोक लगाने चाहिए। पूर्व चुनाव आयुक्त की माने तो कोरोना की दूसरी लहर में देखने में आया था कि तमाम राजनीतिक दलों की रैलियों में भारी भीड़ जमा हो रही थी, जिसके चलते यूपी बिहार और देश भर के तमाम उन राज्यों में जहां पर चुनाव आयोजित किए गए कोरोना वायरस रमन सर्वाधिक था। जी नीरज सर, क्या कहेंगे कि 11 राज्यों में जो चुनाव हैं, एक तरफ ओमिक्रोन बढ़ रहा है और COVID-19 खतरनाक हो रहा है, अब चुनाव आयोग ने यह कहा है कि सभी राजनीतिक दलों ने कहा है कि समय पर चुनाव होने चाहिए, क्या कुछ इसका विकल्प है सर, एक बार इसके बारे में बताएंगे। ठीक है, चुनाव होने का फैसला अगर किया जा रहा है तो ये तो फैसला ठीक है। और आज मैं CEC के प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुन रहा था, तो उसमें उन्होंने कहा कि यही फैसला किया है कि इलेक्शन टाइम पे होंगे, जो मैं समझता हूँ ठीक फैसला है। कि ये बेशक ओमिक्रॉन का एक गंभीर मसला शुरू हुआ, लेकिन हम ये ना भूलें कि इससे भी ख़तरनाक सिचुएशन तो पिछले साल थी जब ये कोविड आया ही था, और उस वक्त हम जानते भी नहीं थे कि कोविड होता क्या है और उससे कैसे डील करते हैं, और हमारी अस्पताल और फैसिलिटीज़ वगैरह जो थी वो उसके लिए इक्विप नहीं थी। उस वक्त हमने इलेक्शन किया, इलेक्शन कमीशन ने बिहार का इलेक्शन कराया कोविड गाइडलाइंस के साथ, और बहुत अच्छी वर्ल्ड क्लास गाइडलाइंस है वो, क्योंकि उन्होंने ये देखा कि दुनिया भर में कोई 100 मुल्क थे जहाँ पे इलेक्शन होना था और सबने इलेक्शन कराए और अच्छे इलेक्शन कराया। सबसे पहला साउथ कोरिया था, उन्होंने मार्च 2020 में उन्होंने इलेक्शन कराया जबकि कोविड की पीक थी, और हाईएस्ट टर्नआउट इन हिस्ट्री, इससे इतने लोग कभी हिस्ट्री में वोट देने नहीं आए वो किया, बहुत अच्छा इलेक्शन किया। क्योंकि बाकी जैसे सैनिटाइजेशन, सोशल डिस्टेंसिंग, हाथ में ग्लव्स दे दिए क्योंकि आपने मशीन को EVM को दबाना है, और उसके उसकी की प्रोटेक्शन, पोलिंग स्टेशन का साइज छोटा कर दिया, 1500 के बजाय 1000 का कर दिया ताकि भीड़ कम हो जाए, पोलिंग टाइम 1 घंटा बढ़ा दिया ताकि भीड़ डिस्पर्स हो जाए, फैल जाए। तो ये सारे जो स्टेप थे ये सब सॉलिड हैं, और पूरी दुनिया में इलेक्शन हुए हैं, और इंडिया में, बिहार में, बंगाल में, तमिलनाडु में, सब जगह हुए। जहाँ गलती की थी इलेक्शन कमीशन ने, जिस वजह से आज तक लोग उसको याद दिलाते हैं, कि रैलीज को बैन नहीं किया था। इन सारी चीज़ों में पूरा कैंपेन बड़ा अच्छा, और TV पे आते रहे, वर्चुअल कैंपेनिंग हो, सोशल मीडिया, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम होती थी सिर्फ रैलीज में, जहाँ पर लाखों लोग शोल्डर टू शोल्डर बिल्कुल क्राउड करके जब आ जाते हैं, वो तो खतरे की घंटी है ही है, उसको रोकने की। बंगाल में 8 फेज में हुआ, 6 फेज तक भीड़ पे भीड़ हो रही थी, और सारा मीडिया चिल्ला रहा है, लोग चिल्ला रहा है कि साहब इतनी भीड़ आ रही है, इलेक्शन कमीशन क्यों कुछ नहीं कर रही। कुछ नहीं किया उन्होंने, जब नेता लोग ही थक गए और उन्होंने ही फैसला किया कि अब और मीटिंग नहीं करेंगे, तो अगला 1 घंटे के अंदर इलेक्शन कमीशन ने कह दिया कि भाई रैली पे बैन। तो रैली पे बैन तो पहले लगाना चाहिए था, और आज भी हमारे पास ऑप्शन नहीं है कि रैली को बैन कर दो, बाकी हर चीज, हर गाइडलाइन परफेक्ट है, बहुत अच्छी है। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। मौत का आंकड़ा भी वहां पर सर्वाधिक था। तो वहीं पूर्व चुनाव आयुक्त की माने तो कोरोना वायरस की दूसरी और ख़तरनाक लहर में चुनाव आयोग ने बंगाल और बिहार जैसे बड़े राज्यों में बेहतरीन व्यवस्था से चुनाव संपन्न कराए, चाहे बूथों की संख्या बढ़ाने की बात हो रही हो या फिर बूथों के बाहर सैनिटाइज़र की व्यवस्था करने की बात रही हो। चुनाव आयोग ने ऐसे तमाम मसलों पर बेहतरीन व्यवस्था को कायम कर दोनों बड़े राज्यों में शानदार चुनाव करवाए थे, लेकिन रैलियों में बढ़ती भीड़ पर अंकुश लगाने में चुनाव आयोग विफल रहा था। दरअसल बंगाल और बिहार दोनों राज्यों के चुनाव में कोरोना संक्रमण का आंकड़ा न केवल खतरनाक स्थिति में जा पहुंचा था, बल्कि संक्रमण से हुई मौत के आंकड़े ने भी चुनाव आयोग की कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया था। अगर चुनाव आयोग ने समय रहते सख्ती दिखाई होती तो कोरोना के खतरनाक संक्रमण और मौतों के आंकड़े को रोका जा सकता था। अब तक लिए बस इतना ही। देश दुनिया से जुड़े तमाम अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।